और फिर से आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड। आज हम केकड़ा कड़ी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड आशा करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को जरूर अच्छे लगेंगे, और अच्छे लगेंगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो के शुरू से अंत तक आप लोग मेरे साथ देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने ये केकड़े को ले लिया है, हमने समुद्री केकड़े लिए हैं। हम इसे बनाएंगे क्रैब कड़ी। देखिए फ्रेंड्स, हम अब इसके जो हाथ पैर है इसको तोड़ ओड़ के साफ कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, हमने केकड़े को साफ करके इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में काट कर लिए हैं एकदम, और सारे मसाले भी हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम आगे प्रोसेस करते हैं। इसमें हम हल्दी और नमक मिलाते हैं। सब एक साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद हम तेल में फ्राई करेंगे इसे। फ्रेंड कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें तेल डालते हैं। और हम इसमें अब केकड़े को डालते हैं। ये बाकी के जो इसके हाथ पैर है इसे भी हम इसी में फ्राई कर लेते हैं। ये भी फ्राई हो चुकी है, अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। तेज पत्ता, कटी हुई प्याज, प्याज भून चुकी है। अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करते हैं। पिसी हुई लहसुन 1 चम्मच, अदरक पिसी हुई 1 चम्मच,
हाफ चम्मच काली मिर्च, जीरा, तीन चम्मच हल्दी, सूखी लाल मिर्च, थोड़े से पानी डालेंगे, इन मसालों को अच्छे से भून लेंगे। हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, मसाले हमारे भून चुकी है। इसमें गरम मसाले डालते हैं, इसे ढक देते हैं और फिर पकने देते हैं हम। तो देखिए फ्रेंड, ये पक चुकी है, अब हम इसे निकालते हैं। तो चलिए फ्रेंड, बन के तैयार हो गई हमारी केकड़ा कड़ी। तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और इसे अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और ऐसे ही आसान तरीक़े से रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल को भी दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।